हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पे और स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग आपको और जितना भी मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हो सभी लोग से अनुरोध है फ्रेंड कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये वीडियो सिर्फ ओप्पो वालों के लिए है। जैसा कि आप लोगों ने मेरा थंबनेल देख के मेरा इस वीडियो को ओपन किया है, मैंने अपना थंबनेल में साफ साफ लिखा है हाउ टू अनलॉक ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन विदाउट सर्विस सेंटर एंड विदाउट डाटा लॉस। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ओप्पो मोबाइल का लॉक कैसे खोला जाए, कैसे तोड़ा जाए, चाहे वो पासवर्ड हो, चाहे वो पैटर्न हो, चाहे वो पिन हो। आपके पास कोई भी ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन है, न्यू मॉडल है या ओल्ड मॉडल है, या नया फ़ोन है या ओल्ड फ़ोन है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपके पास ओप्पो मोबाइल है और वो मोबाइल आपसे लॉक हो चुका है और अनलॉक नहीं हो रहा है तो आप इस वीडियो को ओपन करके बहुत ही अच्छा काम किए हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो पूरा डिटेल विस्तार से बताऊंगा जिसको आप लोग लास्ट तक देखोगे। 6-7 मिनट का वीडियो रहेगा, ज़्यादा लंबा वीडियो मैं खुद नहीं बनाता हूँ। अगर इस वीडियो को लास्ट तक आप देख लोगे तो आप कभी भी सर्विस सेंटर जाना भूल जाओगे। फ्रेंड, जब आपका फ़ोन लॉक हो जाता है तो आपको तो पता ही है कि लॉक या तो कोई कर देता है या तो आप अपना पासवर्ड भूल जाते हो तो आपका फ़ोन लॉक होता है, ऐसे लॉक नहीं होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लॉक कैसे तोड़ा जाता है, वो भी ओप्पो मोबाइल का, बिना सर्विस सेंटर गए हुए। सर्विस सेंटर जाओगे, पैसा लगेगा, समय लगेगा और ये डाटा जो फ़ोन के अंदर आपका रहता है वो डाटा टोटल का टोटल सर्विस सेंटर वाले डिलीट कर देते हैं। पैसा भी लेते हैं, समय भी लेते हैं, फ़ोन भी लेते हैं और क्या करते हैं फ़ोन के साथ ये कभी दिखाते नहीं हैं, और डाटा भी ले लेते हैं। लेकिन इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखिएगा तो आप सीख जाइएगा ओप्पो मोबाइल का लॉक कैसे तोड़ा जाता है, बिना सर्विस सेंटर गए, बिना डाटा लॉस किए और बिना लैपटॉप कंप्यूटर के आपको अपना ओप्पो मोबाइल अनलॉक करना है खुद से ही। तो आइए फ्रेंड, मैं इस इंटरेस्टेड वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको अपने स्क्रीन के ऊपर ऐसे स्वीपअप करना है। जब आप अपने स्क्रीन के ऊपर ऐसे स्वीपअप करोगे तो जीरो के नीचे आपको इमरजेंसी कॉल दिख रहा है जहाँ पे आप वर्क कर सकते हो, अन्यथा आपको कहीं भी कोई भी एक ऐसा ऑप्शन भी दिखा दो जहाँ पे आप वर्क कर सकते हो, कहीं नहीं, सिर्फ इमरजेंसी कॉल के अलावा। तो आपको यहाँ पे इमरजेंसी कॉल पे क्लिक करना होगा। जब आप इमरजेंसी कॉल पे क्लिक करोगे तो आपको *#899 और हैज, आप देखोगे फ्रेंड *#899 देते ही के साथ आपके सामने एक पेज खुला है जिस पेज का नाम यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है ऊपर में इंजीनियर मोड। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इंजीनियर मोड। तो फ्रेंड, इस इंजीनियर मोड में आप देख सकते हो कि कितना सारा ऑप्शन है। आप कंफ्यूज हो गए होगे कि अब हम यहाँ पे करें तो करें क्या। तो फ्रेंड, आप 4 नंबर ऑप्शन ज़रा देखोगे, ऊपर से नीचे की ओर आओगे तो ऑटोमेटिक टेस्ट के नीचे आपको मैनुअल टेस्ट दिख रहा होगा। फ्रेंड, यहाँ पे मैनुअल टेस्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। मैनुअल टेस्ट पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट पेज छोड़ दीजिएगा और सेकेंड पेज पे आइएगा, और सबसे पहले आपको अपना सेंसर चेक करना है कि आपका सेंसर एक्टिव है या डीएक्टिव है। तो यहाँ पे जी सेंसर और यहाँ पे एम सेंसर, तो आप यहाँ पे भी कंफ्यूज रहोगे कि अब हम जी सेंसर पे क्लिक करें कि एम सेंसर पे क्लिक करें। तो फ्रेंड, आपको मैं बता दूं कि जी सेंसर फ़ोन का ओरिजिनल सेंसर होता है, तो हम जी सेंसर पे क्लिक करेंगे और ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे। और आप देख सकते हो फ्रेंड कि जी सेंसर के पास 3 एंगल है, एक्स वाई जेड, और तीनों का तीनों कितना तेज़ी से रनिंग कर रहा है ये तो आप देख ही सकते हो। इसका मतलब साफ है फ्रेंड कि इसका सेंसर अभी तक एक्टिव है। अगर ये डीएक्टिव होता तो क्या रनिंग करता? नहीं करता। तो अब आपको यहाँ पता चला कि हमारा सेंसर एक्टिव है। तो जब आपका सेंसर एक्टिव होगा तो आपका फ़ोन का जो अनलॉकिंग का जो प्रोसेस अभी चल रहा है ये बहुत तेज़ी से वर्क करेगा। तो अब यहाँ से आप इसको बैक कर लीजिएगा। बैक करने के बाद डायरेक्ट हम जाएंगे जायरोस्कोप के पास। जी सेंसर के जस्ट नीचे फ्रेंड जायरोस्कोप, जहाँ पे डाटा सेव किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। सेकेंड नंबर ऑप्शन आप देख रहे हो फ्रेंड जायरोस्कोप सेल्फ टेस्ट का, सेकेंड नंबर ऑप्शन जो आप देख रहे हो जायरोस्कोप सेल्फ टेस्ट का, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। बहुत सारे ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन में यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन देता है, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन नहीं है। अगर आपके फ़ोन में है तो आप स्टार्ट कर लीजिएगा, और यहाँ पे पास आएगा ही, अगर फेल आए तो भी आपको कंटिन्यू ट्राई करना है, लेकिन हमको पास चाहिए, फेल का कोई काम नहीं है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और चेक करेंगे कि यहाँ हमारा पास आता है या फेल। मैं जो भी वर्क करूँगा वो सब सारा जगह हमको पास चाहिए, फेल आया मतलब समझ जाना अनलॉकिंग होने में कोई प्रॉब्लम ज़रूर आ रहा है।
यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा एक बार में पास आया है, आपका भी पास आएगा फ्रेंड। आप कंटिन्यू ट्राई कीजिएगा, कंटिन्यू 10 बार 20 बार ट्राई कीजिए, पास जरूर आएगा। ये पास आपको दिख गया, अब हम यहाँ इसको बैक कर लेंगे। 3 नंबर ऑप्शन जो आप देख रहे हो डाटा डिस्प्ले का, यहीं से आपका डाटा सेफ होगा। कैसे होगा वो भी मैं बताता हूँ। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे और ये नीचे की ओर जो बढ़ रहा है एक्स वाई जेड तीनों, इसको 20 तक बढ़ने देना है फ्रेंड, बोले तो 20 तक। अगर ये 20 तक बढ़ गया बिना रुके तो आपका डाटा सेफ हो जाएगा फ्रेंड। आप देख सकते हो कि ये 20 तक हो चुका है, तो हम इसको बैक कर लेंगे। अब मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका डाटा सेफ हो चुका है फ्रेंड, क्योंकि वो अगर बिना रुके हुए 20 तक बढ़ गया है तो आपका डाटा सेफ है, नहीं तो वो रुक रुक के बढ़ता है धीरे धीरे, लेकिन वो कंटिन्यू बढ़ा है, तो हम अब इसको बैक कर लेंगे। और लास्ट ऑप्शन हमारा लास्ट वर्क ये होगा, सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड सेलिब्रेशन। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड सेलिब्रेशन पे आपको क्लिक करना होगा। और आप देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पे कि 2 ऑप्शन है, ऑपरेशन नॉट स्टार्टेड, ऑपरेशन नॉट स्टार्टेड। हम ये दोनों ऑप्शन को स्टार्ट करेंगे और ये ऑप्शन दोनों स्टार्ट हो जाएगा तो येल्लो कलर का हो जाएगा। बहुत सारे फ़ोन में ऐसा होता है कि यहाँ पे 3-4 ऑप्शन होता है, लेकिन ये मोबाइल में सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। तो हम ये दोनों को स्टार्ट करेंगे और जब ये स्टार्ट होगा तो येल्लो कलर का हो जाएगा, और ये दोनों में से कोई भी एक पास आ जाएगा ना फ्रेंड, आप अपना होम बटन पर क्लिक कर देना। यदि स्वीपअप का ऑप्शन है तो स्वीपअप करना, लेकिन होम से ही फ्रेंड। तो मैं दोनों को पहले स्टार्ट करता हूँ और देखता हूँ कि पास आता है या फेल। एक पास चाहिए हमको, एक पास। पहला सेकंड तो फेल हो गया, लेकिन ऊपर का पास आया फ्रेंड, थैंक गॉड। ऊपर का पास आया और नीचे का फेल आया है, तो मेरा वर्क यहाँ पे हो चुका है फ्रेंड। तो अब हम डायरेक्ट होम बटन पे क्लिक करेंगे। यदि आपके पास स्वीपअप का ऑप्शन है तो आप स्वीपअप कीजिए, लेकिन यहाँ पे मेरे पास होम बटन का ऑप्शन है तो मैं होम बटन पे क्लिक करता हूँ। और आप देख सकते हो फ्रेंड कि ये फ़ोन कैसे मैंने अनलॉक कर दिया। इस फ़ोन का डाटा आप लोग एक बार देख लो, इस फ़ोन का कोई भी ऐसा डाटा नहीं है जो कि डिलीट है, सारा का सारा डाटा सेफ है फ्रेंड। आप देख सकते हो टोटल का टोटल डाटा सेफ है। अगर आप सर्विस सेंटर जाते तो आपका पैसा लगता, समय लगता और ये डाटा भी लग जाता, लेकिन मैंने आपका पैसा बचाया, समय बचाया और ये डाटा ही बचाया। तो अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आपके पास किसी भी कंपनी का मोबाइल है, लॉक हो चुका है, अनलॉक नहीं हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपका पूरा मदद करूंगा फ्रेंड। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।